काली सिद्ध पीठ के महामंडलेश्वर स्वामी नंद ब्रह्मचारी ने लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की और कहा, हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर को जिस प्रकार से मारा गया वो घोर अपराध है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, फांसी भी उसके लिए कम है। सरकार को आम जनमानस की रक्षा के लिए एक विधि लानी चाहिए, एक विधेयक पास करना चाहिए, एक संविधान पास करना चाहिए अपने अपने राज्यों में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के हर राज्य को एक संदेश भेजना चाहिए कि हर प्रदेश जनमानस के लिए एक कानून बनाए। जिस तरीके से निकिता को मारा गया, मुझे लगता है कि निर्मम हत्या इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। मीडिया का काम है अच्छे संवाद को पूरी दुनिया में पहुँचाना, डॉक्टर्स का काम है भगवान जैसा काम करना, संतों का काम है मैसेंजर बन करके, एक पार्टशिप बन करके, एक डाकिया का काम करके पूरे देश में पूरे घरों में भगवान का संवाद पहुंचाना। पालघर की हत्याकांड में, पालघर के साधु की घटना में जिस SHO ने एक अहम भूमिका तो निभाई थी या नहीं, उससे उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, अभी तो इतना ज़रूर कहूँगा कि उस इंस्पेक्टर की अभी बहुत थोड़े दिन पहले मौत हो गई है और उसकी गाड़ी में अचानक आग लगी और वो जल के राख हो गया है। तो सीधा प्रमाण है कि भगवान जिसका कोई नहीं है उसके भगवान है। तो मैं उस पालघर हत्या की अत्यंत ही निंदनीय वर्तना करता हूँ और दोबारा इस प्रकार की घटना किसी देश में, किसी राज्य में, किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। और साधु संत देश के मार्गदर्शक हैं, साधु संत देश के आईना हैं, साधु संत देश के प्रशस्त करने वाले प्राणी हैं, देश को दिशा और दशा देने वाले हैं। छोटे साधुओं या बड़े साधुओं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका सम्मान रहना चाहिए, उनके प्रति सम्मान की भावना आनी चाहिए। मस्जिद देखने वाला भी लव जिहाद की घटना है, काफ़ी कुछ हो रही है। अभी हरियाणा में एक लड़की को सरेआम गोली लगा के मार दिया। निकिता तोमर को जिस प्रकार मारा गया, मुझे लगता है ये घोर अपराध है। कितना भी बड़ा कोई ना हो, कभी निसंदेह उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको फांसी भी उसके लिए कम है। क्या सरकार को इस पर कुछ कार्रवाई के कानून बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। सरकार को एक आम जनमानस की रक्षा के लिए एक विधि लानी चाहिए, एक विधेयक पास करनी चाहिए, एक संविधान पास करना चाहिए अपने अपने राज्यों में। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, साधु संत और राष्ट्र के रक्षक हैं, हम सबों के वर्तमान में राजा हैं वो, मुझे लगता है उनको हर राज्य को एक संवाद भेजना चाहिए कि हर राज्य साधारण से साधारण जनमानस की रक्षा के लिए एक कानून बनाए, एक नियम लाएं। तो निकिता को जिस प्रकार से मारा गया, मुझे लगता है कि निर्मम हत्या इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। वो बहुत बड़े घर का परिवार है, मैंने ऐसा सुना TV के माध्यम से, आपके माध्यम से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि उसको फांसी भी उसके लिए कम है। और ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने की इच्छा प्रकट न कर सके। गुरु जी, अगले साल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए कुछ? महाकुंभ को लेकर के उत्तराखंड सरकार अत्यंत संवेदनशील है और उत्तराखंड सरकार चाहती है कि कुंभ बहुत अच्छा हो, लेकिन कोरोना काल है। कोरोना की स्थिति, यदि भारत सरकार की गाइडलाइन कोई आती है और भारत सरकार की कोई गाइडलाइन पक्ष में आती हैं, और क्योंकि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है वो तभी आएंगे जब कोरोना का काल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, डिस्टेंस और मास्क की अभी आवश्यकता देश में, समाज में लोगों को है। कुंभ एक महाकुंभ है, क्योंकि कुंभ बहुत बड़ा पर्व है, कुंभ टाला नहीं जा सकता है, कुंभ आगे नहीं किया जा सकता है, कुंभ रोका नहीं जा सकता है, और कुंभ न करे ऐसा सरकार कोई प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो कुंभ, क्योंकि कुंभ का एक मैं पार्ट हूँ और कुंभ में लगभग 20 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ कुंभ को लेकर के, तो कुंभ तो निसंदेह कुंभ होगा, कुंभ की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कुंभ में साधु संत आएंगे, स्नान करेंगे। अब सरकार को जैसा अच्छा लगे, भारत सरकार और राज्य सरकार को, वैसी प्राविधान के साथ सरकार कुंभ कराएगी, क्योंकि हमारे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे अत्यंत प्रिय हैं और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि साधु संतों के कुंभ के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका झुकाव रहता है, समर्पण रहता है, उनकी विश्वास और श्रद्धा रहती है, तो कुंभ बहुत अच्छा हो ऐसा निर्णय सरकार जरूर लेगी
मुझे लगता है कि दिसंबर और जनवरी के कार्यकाल दिसंबर और जनवरी के बाद अखाड़ा परिषद के साथ बैठने के बाद जरूर ये तय करेंगे कुंभ बहुत अच्छा हो लेकिन कोरोना में जनमानस को क्षति भी ना हो, समाज को क्षति ना हो, किसी की जान माल की क्षति ना हो, नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रख करके सरकार कुंभ कराए।